डन। अरे क्या बात है, हो भी गई लोड। तो ये कुछ माल हुआ हमारा लोड भाई ऐसे। उफ यार क्या मक्खन है भाई, मक्खन बोल रहे। तो जय हो भगवान जी। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने हमारी गाड़ी आज लगवाई दी भाई। सो करते हैं फटाफट से गाड़ी को स्टार्ट। और भाई साहब आप लोग सुनो कि हमारी गाड़ी लग चुकी भाई, आज तो कन्फर्म है। जैसे हमारा कल बना ना, वैसे नहीं बनेगा आज, क्योंकि चंडीगढ़ के लिए लोडिंग है और 4 टन माल की गारंटी, बाकी किराया वगैरह आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। और जैसे कल हुआ था ना हमारे साथ कि भाई मैं बन गया था, पर वैसा नहीं है। पर आज अभी सुबह के बज रहे हैं, देखो 10:56 और लोकेशन डलवा दी है मैंने इसमें, 19 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और वही टूल वाले रास्ते जाना पड़ेगा, सेकंड टूल से राइट। तो करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट भाई। साफ सफाई वगैरह ओके होगी हमारी। सुबह उड़ गए थे भाई हम 9:01, तब से लेकर ऐसे थे। अभी अब ब्लॉग भी एडिट करने को ही है, पहले मैं कहा लोडिंग के लिए चलते हैं, उसके बाद वहाँ पे रेस्ट करके वहाँ पे देखें, अभी खाना भी नहीं खाया हुआ। सो पहले चलते हैं लोडिंग करने ही सबसे पहले। आज तारीख हो गई है भाई 2 फेब है आज, तो फटाफट से इसको करते हैं। और हमारा देखो यूरिया टैंक भी है फुल, और एवरेज दे रही है 6.9 की। सो चलते भाई फटाफट से और देखते हैं लोडिंग के लिए आज क्या माल डलता है इसमें और क्या रहता है भाई प्रोसेस। तो सीधा मिलते हैं आपको कंपनी में ही, क्योंकि कल वाला रोड तो आपने देखा ही, जहाँ से हम गए थे वही रोड है, वहाँ से थोड़ा सा ही जाना है भाई, पीछे ही है उससे। कल गए थे ना देखो 25 किलोमीटर, तो आज आए 19 किलोमीटर। सो चलते हैं आपको सीधे मिलते हैं कंपनी पर, और क्या लोड हो रहा है क्या वो देखेंगे बाद में। नहीं पे कुत्ता यहाँ से हटने का नाम नहीं लेता, देखिए। ये देखो भाई ये घुस गए हम कोयम्बटूर में अंदर, मतलब अभी तो यहाँ पे होगा भाई नो एंट्री, पर अभी जैसे 11 बजे के बाद नहीं होती यहाँ पे, 11:30 हो रहे हैं अभी, नो एंट्री नहीं है। तो हमने अभी थोड़ा सा रह गया, देखो यहाँ से रह गया है 3.4 किलोमीटर रह गया है यहाँ से सारा ही। ELG की EGL पता नहीं ऐसी कंपनी है कोई। ओ भाई क्या रैपिंग हुई है ना गाड़ी में। कितना जाम लगा हुआ है, एम्बुलेंस फंस गई जाम में, बेचारे पेशेंट भी है। दिखती भाई एम्बुलेंस, उसको रास्ता दिया करो। देखो पेशेंट्स होते हैं यार, एक सेकंड का पता है आपको, एक सेकंड में हो जाता है कुछ से कुछ, तो इनको सबसे पहले जाना पड़ता है भाई। तो जहाँ भी आपको दिखे पास दो भाई एम्बुलेंस को। तो हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा 750 मीटर रह गया है। वो देखो सामने गाड़ी कैसे चमक रही है ना। मोड़ते हैं गाड़ी बड़े ध्यान से यहाँ पे भाई जी। आपको एक स्टोरी सुनाऊँ भाई। अच्छा गाड़ी मोड़ते मोड़ते आप लोग एक स्टोरी सुन लो। ऐसा हुआ ना हमारे साथ, एक पीबी नंबर गाड़ी थी परे खड़ी हुई, तो उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने उनके ना जैसे बाइक वाला था ना एक, तो उसको हल्की सी मतलब जैसे अभी ट्रैफिक था, तो हल्की सी ना उसको
इतना सी टच होगी, इतनी सी मतलब हल्की सी लगी उस पर, और वो ना जानबूझ के ना नीचे गिर गया, नीचे गिर गया मतलब जानबूझ के। और वहाँ पे अब ट्रैफिक तो था ही, लोग हो गए एकदम से इकट्ठे, तो उसको ना भाई इतनी सी खरोच भी नहीं थी किसी को भी आई हुई, और बाइक पे सिर्फ इतनी सी खरोच थी, इतनी सी कैसे लगता है बाइक साइड से। तो उसको ना कम से कम 20,000 रुपये देने पड़े भाई ऑन द स्पॉट, ठीक है। ऐसे है भाई यहाँ पे कई कई लोग ना बहुत ही मतलब 20,000 रुपये भाई पूरी बचत नहीं होती एक साइड को, और 20,000 भी दे देने इनको तो भाई काफ़ी ध्यान से करनी पड़ती है यहाँ पे ड्राइविंग बाहर, भाई कोई नहीं सुनता एक तो, फिर अपनी भाषा बोलेंगे फिर, और आपको फिर वहाँ पे मारे कुट्टे क्या करे कोई पता नहीं लगता। तो मैं तो भाई मोड़ दी गाड़ी, बस आपको यही बताना था यार ऐसी ऐसी स्टोरी अभी हो जाती है, तो अभी पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी, वापस से आना पड़ा यार। और मैं तो हमने भाई गाड़ी फाइनली यहाँ लगावा दी साइड में पार्किंग में जो देख रहे थे आप अभी, और चाय हमने सुबह पी नहीं यार क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब सफाई करना था ना नीचे के, थोड़ा सा पानी वगैरह मारा इसमें नीचे फ्लोर में, बहुत मिट्टी है भाई मतलब सदियों सदियों की मिट्टी है, पता नहीं 4 सालों से इकट्ठी हुई है इसमें इतनी मिट्टी है, मतलब अभी तो पूरी मेरे को ना खुलाना पड़ेगा सारा कुछ, और इसके नीचे दोबारा से फ्लोरिंग मैट सोच रहा हूँ करवाने की, देखेंगे भाई जैसा भी रहेगा आगे इन फ्यूचर, जैसी कमाई होगी वैसी गाड़ी पे भाई इन्वेस्ट भी करेंगे, मतलब डेकोरेट भी करेंगे। तो कर लेते हैं नाश्ता भाई सुबह का, और पता नहीं अब कब तक बुलाएंगे, नंबर वगैरह एंट्री वगैरह करवाया था पंकु, नंबर वगैरह दिया है वहाँ पे, अगर फ़ोन करेंगे तो जाएंगे यहाँ से। अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ भाई, आपको शाम को ब्लॉग भी डालना है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जिन्होंने नहीं करा, और काफ़ी बंदे हैं, मैं आपको एक यहाँ पे ना वो देता हूँ किस किसने सब्सक्राइब किया किसने नहीं किया, कौन देखता है वीडियो, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो सब्सक्राइब करके जिन्होंने देखता है वीडियो, और जो नहीं किए हुए सब्सक्राइब फिर भी वीडियो देखते भाई प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लो यार, और फटाफट से अभी 7K की बहुत नज़दीक है भाई, ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, डेली व्लॉग्स करने की कोशिश रहती है भाई, तो मेहनत पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, थैंक यू। तो फाइनली भाई हमारे नंबर आ गया है, फ़ोन आ गया है अंदर से तो क्या मतलब उसका आया था जिसका जो ट्रांसपोर्टर है ना हमारे, उनका आया था फ़ोन कि आ जाओ आप अंदर, तो चलते हैं अभी अंदर और देखते भाई क्या लोडिंग होगा, और पूरे भरनी नहीं चाहिए भाई गाड़ी क्योंकि जो इसका रेट है ना बहुत कम लगा हुआ है, अगर मैं जैसे अगर पीछे अगर जगह बचेगी ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको बताइए बाकी तो सब कुछ है। तो चलते हैं बैक करते हैं गाड़ी, बहुत लंबा सेल्फ ले रही यार गाड़ी ना, अभी बहुत लंबा सेल्फ ले लिया इसने, अब पता नहीं क्यों ले रही है भाई ये, अभी चल के भी आई हुई इतना, और क्या इसमें सिस्टम है भाई कसम से क्या क्या बताऊं मैं भाई, एक दिन तो यहाँ पे ना हमारी धक्का स्टार्ट ही हो गई थी गाड़ी, तो मैं क्या करूं भाई इस गाड़ी का, पहले तो दिखानी पड़ेगी भाई ये जाके ना बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे इलेक्ट्रीशियन से। तो भाई कंपनी के अंदर तो आ गए हैं, और अभी जो फाइनल एंट्री रहती है कराने के लिए वो उसके लिए गया हुआ पंकु, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे वेट ब्रिज यहाँ पे भी, मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब एक बात देखी ना मैंने यहाँ तमिलनाडु में, एक मैंने वहाँ देखी थी जो अपने यहाँ क्या था पुणे में, जो बहुत बड़े बड़े जैसे एरियाज होते हैं ना, जैसे कोयम्बटूर हो गया पुणे हो गया आपका बॉम्बे में है, काफ़ी अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज है, मतलब है क्लीन बढ़िया एकदम पक्का है, नीचे देखो कैसे बढ़िया पार्किंग के लिए स्लॉट बनाए हुए हैं, एक इधर उधर 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 उधर, और बीच से चलने के लिए भी है, और ये है अपना ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है एकदम से बनाई हुई, जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको भी, और अंदर कई बार ना फैक्ट्रीज़ में जगह नहीं होती अंदर लगाने की, फिर ड्राइवर भी परेशान और वैसे ही परेशान होते हैं, ऊपर से फिर आगे पीछे करते रहो और जगह नहीं होती, कभी चिक्कड़ है कहीं पर कुछ है, तो हर कंपनी को ऐसा करना चाहिए भाई, और बढ़िया बड़े देश की तरक्की करनी चाहिए। ये मिल गया हमें व्हीकल ऑपरेटर का टैग, तो इसे पहनना ही पड़ेगा क्योंकि हम ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं पे हेलमेट दे देते हैं कहीं पे टैग दे देते हैं, जाना कहाँ है इसमें, राइट या लेफ्ट, राइट ही बोलता, राइट बोलता तो राइट चलते हैं जहाँ भी पहुंचेंगे। हमारी गाड़ी लग गई है लोडिंग पॉइंट पे, और मैंने ना ये कैमरा खोल दिया है, इससे जो स्टिक्स होती है ना इससे खोल दिया है कैमरा, ठीक है, तो अभी इसको रखते हैं साइड में क्योंकि बाहर अगर अलाउड नहीं भी हुआ तो भी हम शूटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा है ना तो इसको ऐसे हाथ में कवर कर लूँगा मैं इस तरह से, तो आपको कुछ ऐसा विज़न मिलेगा देखने को। तो चलते फटाफट से और दिखाते हैं भाई कैसे होती है यहाँ पर लोडिंग। हो गया डन, अरे क्या बात है,
हो भी गई लोड। तो ये कुछ माल हुआ हमारा लोड भाई ऐसे। उफ यार क्या मक्खन है भाई, मक्खन बोलते इसको, मक्खन माल। तो करते फटाफट से अपनी गाड़ी का जो भी है रस्ता तिरपाल करते हैं, और इस पर भी पाते हैं तिरपाल। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि यहाँ ना अलाउड नहीं यार कैमरा पकड़ना, तो जैसे कैसे मैंने दिखा दिया आपको थोड़ा बहुत। तो तिरपाल वगैरह और रस्से पाने के लिए भी इन्होंने मना की, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ पे अभी आउटसाइड गेट पे ना गिनते हैं जब बाहर जाती है गाड़ी, तो अभी मना किए। बाकी बस बारिश नहीं आनी चाहिए यार, बारिश का फुल मूड है बना हुआ। और वापस से लगा दिया मैंने कैमरा, क्योंकि अब तो बाहर ही जाना है। मेरे को लगा कि काफ़ी टाइम लगेगा, और भाई मज़ा आ गया भाई। ऐसा भाई ऐसा मतलब डाले लेवल माल है, ठीक है, और बहुत अच्छा भाई, काफ़ी मज़ेदार है। अब काफ़ी मज़ा आएगा सफ़र करने का। सो और जो रिपोर्ट भी वो काफ़ी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। सो अभी ट्रांसपोर्टर को किया था फ़ोन, वो बोल रहे अभी जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक गेट आउट नहीं होगा। आपका नाम क्या है? सचिन शर्मा। सचिन शर्मा भाई का नाम? सचिन शर्मा TCI से ना? हाँ, TCI कंपनी से। तो ये आ गया, अभी वे विल हमारे तैयार नहीं हुए हुए, बाकी डॉक्यूमेंटेशन रहती है देखो। और जो ये चीज़ है ना भाई, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कुछ भी डाल देते कई बार ना, तो उसके लिए पहले से ओके रखते काम, क्योंकि बाद में अगर ऐसी चीज़ में गाड़ी पकड़े जैसे नशे की कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो जिनका सामान है वो उतर जाएगा पर हमारी गाड़ी नहीं छूटेगी, ठीक है। तो उसके लिए पहले से श्योर रहते हैं, ठीक है। तो अभी पता नहीं कब तक बिल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू भाई। जाम के ना 4:30 हो गए और अभी तक भाई ना आया नहीं है ईवे बिल वगैरह लेके। बाकी ट्रैकिंग के लिए बोल रहा था कि ट्रैकिंग के लिए फ़ोन लगता है इसमें, जैसे अब हमारा नंबर इनके पास ना ट्रैकिंग में चल जाएगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, तो ये फ़ोन नहीं करेंगे, बस उसी में देखेंगे। ये देखो ये मैसेज आ गया ना इनका भाई, हाय इतना इतना इनका ट्रैकिंग आईडी एक्सेप्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा। वाई से रिप्लाई करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, एन से करेंगे तो रिजेक्शन हो जाएगा। तो हम करेंगे इनको सेंड, वाई सेंड कर दिया। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, यू हैव सक्सेसफुली अप्रूव्ड। कर दिया क्या किया? लिंक किया है क्या? वाई लिंक करना पड़ेगा देना। क्यों? लिंक से ही होगा, वैसे नहीं होगा। नहीं यार, अरे वो गाड़ी के वो कट लगा लो जी। कट मतलब स्टॉपर? अच्छा स्टॉपर, मैं कट क्या होता है? फिंगरप्रिंट है नहीं, वैसे स्टॉपर है नहीं। चैनल बना रखा होगा YouTube, कैसा चल रहा है? मस्त। अच्छा चल रहा है। मेरे हो गए 7,000 होने वाले। 7,000 हो गए क्या? हाँ अपना ये बढ़िया है क्या? बिल्कुल खुश हो गए मेरे भाई। अभी 7,000 होने ही वाले हैं, तो फटाफट से चैनल कर दो सब्सक्राइब भाई। 7,000 के बहुत करीब है हम, बहुत ज़्यादा। और अभी रोड तो बहुत लंबा है ना, हम रोड तो बहुत है अभी तय करने के लिए, लेकिन अभी चाय के साथ समोसों का जो मज़ा आएगा ना भाई। और ऐसा ठंडा मौसम हुआ ना आज, मतलब आज तो बिल्कुल बारिश कब आ जाएगी ये कोई पता नहीं है। गुलशन भाई को करता हूँ जरा फ़ोन, क्या बोलते हैं कहाँ के लिए लगी कि नहीं लगी। बाकी अभी पता नहीं, बंदे आते 2 मिनट को फ़ोन जाए पकड़ते मेरा और चले जाते फिर से। डॉक्यूमेंटेशन होगी हमारी पूरी, पर सीन पता क्या हो रहा है कि यहाँ से निकलेंगे हम रात को 8 बजे। नो एंट्री मैंने बताया था ना आपको, जिस रोड से हम आए हैं उस रोड पे नो एंट्री होगी है। और बहुत ही शर्मनाक है कि इन्होंने हमारे को टाइम से नहीं दिया ये, पर भाई बहुत अच्छा था यार, बढ़िया है भाई, मतलब अच्छा बंदा है। ये देने हैं, ये हमारे बिल है, ठीक है। और मिलते हैं आपसे बाहर ही, ये सिक्योरिटी ऑफिस। वेट भी कराना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसका वेट ही कराना पड़ेगा, और वो होगा वहीं पे ट्रांसपोर्ट के पास जहाँ पे हमने कल ग्रॉसरी शॉप में गए थे ना, उसी के पास एक वेट ब्रिज, तो वहीं पे चलेंगे। बाकी अभी लगाते हैं वहीं पे नारियल के पेड़ के नीचे और वहीं पे रेस्ट करते हैं 8 बजे तक। फाइनली हमने यहाँ पर गाड़ी लगा दी है बाहर। ये टायर में निशान से पड़ रहे यार, ये भी ख़त्म हो गया टायर, काफ़ी चल पड़ा है, बिल्कुल गंजा हो गया है, ठीक है। तो कल मैंने देखो आपको बताया था ना कि हम कलर पे करेंगे पेंट में, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी नहीं करेंगे पेंट, क्योंकि आज बारिश हो जाएगी ना फिर यार, ये भी धुल जाएगा इसके साथ ही। तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, बाकी ऐसे भाई खुली पार्किंग है यहाँ पे। तो अभी हम ऐसा करते हैं ना, पहले ढूंढ लेते खाने के लिए कुछ, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो तभी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है, मतलब लंच तो कर ही लिया हमने, ठीक है। तो अभी रहने देते गाड़ी को यहीं पर खड़ी हुए, बाकी मिलते हैं आप लोगों से सीधा 8 बजे जब गाड़ी यहाँ से बाहर निकलने के मूड में होगी, तो मिलेंगे आपसे तभी। 8:07 हो गए हैं और रेस्ट पे ही थे हम, फिर अभी चलते हैं यहाँ से बाहर को, गाड़ी की थी स्टार्ट थोड़ी देर के लिए, गर्म सी हो जाएगी थोड़ी। और
खुल गई नो एंट्री है ना, तो खुल गई है भाई नो एंट्री। बाकी चलते हैं यहाँ से और अपना सफ़र करते भाई, और पहले चलते गुलशन गाईघरों के पास, खाना खाते यार चल के। अभी भाई यहाँ से देखो गाड़ियाँ सब हो गई है स्टार्ट, हम भी निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा क्या, आगे से आए घूम के, आगे से तो बहुत आ जाएगा पर यहाँ से रॉन्ग साइड भी कितना एक ही जाएंगे यार, थोड़ा सा ही है देखो यहाँ पे कट है, तो यहाँ से चलते थोड़ा सा रॉन्ग साइड। और निकलते ही लग गया है जाम, रोड से बाहर निकलो तो वहीं पे ही जाम है भाई। और गाड़ियाँ भाई पूरा स्टील का है देखो, पूरी स्टील की जो चद्दर होती है ना वो है देखो कार की, बस में रिफ्लेक्शन क्या दे रही है, एक मिनट दिखा दो क्लोज से। ओ भाई ऐसी बढ़िया रिफ्लेक्शन है ना भाई देखो, ऐसी मस्त मतलब ऐसी बस से होती है ना यहाँ को बनाई हुई, खतरनाक खतरनाक वाली। और देखो लाइटिंग वगैरह एकदम प्रॉपर ओके है बिल्कुल। तो अभी तो बाहर निकलते ही जाम लग गया, अभी पता नहीं यहाँ से कितना टाइम लगेगा जो अपना बाईपास है वहाँ तक, जहाँ बत्ती से मुड़े थे ना लेफ्ट, वहाँ तक पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। फाइनली हम पहुंच गए भाई जहां पे कंडा कराना, क्योंकि इसका कांडा कराना ना बड़ा ज़रूरी है, पता तो लगे इसमें वेट कितना है। और लाइट है ना एडजस्ट करानी पड़ेगी यार, अजीब सी है, ड्राइवर साइड तो दिख ही नहीं रहा कुछ, कनेक्टर साइड तो फिर भी दिख रहा है कुछ, अजीब सी होगी इसकी लाइट है, इसका काम कराना पड़ेगा यार ढंग से। वो बल्ला भी रुक गया ऊपर देखो, बाकी पूछते हैं इनको 80 रुपीज़ देख लेते कितना है। और देखो इतना सा सामान है अभी, फुल लोड होगा बाद में, बाकी लाइट करवानी पड़ेगी यार एडजस्ट। और थोड़ा सा ही है यहाँ से परे, तो अब ना 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से सारा ही, तो चलते हैं सीधा और गाड़ी लगवाते हैं गुलशन भाई की गाड़ी के साथ, उनको भी ले चलते हैं खाना खाने के लिए, और ख़ुद भी खाते हैं भाई खाना। कल रात को खाया था खाना हमने उसी होटल पर, और अब देखो सुबह मतलब सुबह भी नहीं खाया, दिन को भी चाय नाश्ता किया और शाम में भी चाय नाश्ता किया, तो अब पेट भर के खाएंगे भाई खाना। सो चलते हैं लगाते गुलशन भाई की गाड़ी के साथ और पूछते हैं उनको लोड मिला या नहीं मिला। चलता हूँ हमारी गाड़ी में क्या आया, हमारी गाड़ी में आया 86.50, ठीक है। तो 86.50 का मतलब हो गया मेरी खाली गाड़ी का वेट है 65, 6 टन 500 किलो। सो ये आ गया मेरे पास 2150, मतलब ये मान के चलो आप 2200 क्विंटल, तो 2200 क्विंटल आया सारा वेट, मतलब 2 टन 200 किलो आया मेरे पास सारा वेट, 4 टन के लिए गाड़ी लगी है ना भाई, लगा हुआ वो लगा हुआ है 47,000 रुपये, 4 टन की गारंटी है थी इसकी, 2 टन देखो माल आया सारा ही 2200 किलो, 2 टन 2200 किलो इसका सारा ही आया माल। तो अभी तो काफ़ी जगह यार इसमें, ठीक है, और पार्ट लोड भी काफ़ी जाते हैं, ठीक है, तो पार्ट लोड देखेंगे कोई पार्ट लोड मिल जाएगा। फाइनली भाई हम लोग आ गए खाना खा के और हमने गाड़ियाँ वगैरह लगा दी थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे है, और बाकी कुत्तों के लिए लाए भाई हम खाने के लिए बिस्किट। सो अब देंगे इनको बिस्किट, आज देंगे गुलशन भाई बिस्किट। सिट, बड़ी इंग्लिश जानते सिट। ओए लड़े ना तुम दोनों, नीचे नजर लगाई ना। हाँ नजर, हाँ आराम से खाओ, गले में फंस सकता है। तो डॉगीज को भी आपको भाई देना चाहिए यार कुछ ना कुछ, आपके इलाके में अगर कहीं भी आप देखते हो ना कि डॉग्स है तो उनको प्लीज दे भाई खाना, खाना दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई बिस्किट तो आपको देने चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान है भाई, ये तो बोलेंगे नहीं आपको, बस ये प्यार ही कर सकते भाई, और ये प्यार ना एंडलेस है भाई, ठीक है। और ये जब भी हम आते हैं ना भाई, गाड़ी भी दिखती है ना इनको, तब भी ऐसे ही आ जाते हैं भाई हमारे पास, ठीक है, और पूरी रात रहते हैं, कोई भी अननोन पर्सन जैसे या कुछ कोई भी आ जाता है भाई एकदम से, तो उनको भौंकने लग जाते हैं। बाकी अगर हम उतरते हैं तो बाहर को बिल्कुल भी नहीं बोलते कुछ, क्योंकि कुत्ते एक ऐसी चीज़ है ना भाई, जो मदर होते हैं ना, एक मदर मदर के भी आज एक जो ट्रू लव होता है ना एक, वो यही डॉगिंग करते हैं भाई। इसकी माँ है, ये इसका बच्चा है, इनको यहाँ छोड़ दिया गया है। छोड़ नहीं दिया गया, यहीं पे ये बस यहीं रहते हैं,
आपको कहीं भी दिखते ना भाई दुनिया में, कहीं भी जा रहे हो आप, कहीं भी दिखते ना तो प्लीज इनको खाना दे दिया करो बस, क्योंकि ये कुछ नहीं मांगते और ना बना सकते भाई खाना, ना आपसे मांग सकते, सिर्फ प्यार ही शो कर सकते, तो आप प्लीज इनको मार रहे तो बिल्कुल भी ना, और खाओ सके तो खाना खिला दे भाई, पानी पिला दे अगर आप कर सकते ये चीज़, ठीक है गुलशन भाई? बिल्कुल सर, है ना, देखो तो बाकी आपकी मर्जी यार, हम तो सिर्फ एक मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं भाई आगे, बाकी आप लोगों की मर्जी यार, क्योंकि बेजुबान है भाई, बोलेंगे तो कभी नहीं है यहाँ पर, समझते तो हर चीज़ भाई, फीलिंग पता है नहीं, भी मान है दूध भी पिलाना इसको, भैया को भी छोड़ देना बिस्किट, बिस्किट भैया के लिए भी छोड़ना है थोड़ा सा, क्या बोलती पब्लिक करते भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड यार, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो भाई, इतनी मेहनत करते भाई डेली व्लॉग्स डालने के लिए, सो आपको अगर अच्छी लगती भाई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताना भाई कैसी लगती है व्लॉग में, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखे, अपने माँ की सेवा करते रहे और देखते रहे भाई ड्रीम ट्रक व्लॉग्स, और कहीं पर भी आपको डॉग्स या कोई भी एनिमल दिखता है उसको भाई खाना खिलाए और ऐसी प्यार स्प्रेड करे भाई पूरी दुनिया में, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।